नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ बिहार के हाजीपुर के जड़ुआ पशु मंडी में, और ये मंडी आपको प्रत्येक रविवार को लगती है, और यहाँ पे काफ़ी दुधारू नस्ल की पशु, किसानों की पशु यहाँ हमेशा आते रहती है। यदि आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, आएँ अपनी जिम्मेवारी पर आएँ। हम बस एक माध्यम मात्र हैं पशु दिखाने का, पशुधन को दिखाने का। हमारा मकसद भी है सिर्फ पशुधन दिखाना कि आपको किस तरह की कहाँ पशु मिलती है, और ये हमारा मकसद होता है, इस कारण से हम आपको दिखाते हैं। बाकी खरीदारी के लिए आप अपने रिस्क पे आएँ, अच्छी मंडी मिलती है, मंडी में ठगी भी होती है, उससे भी आप बच के आएँ, अनुभवी व्यक्ति के साथ में आए। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, कुछ पशुओं का रेट जानने वाले हैं। तो आइए हम रेट दिखाते हैं, उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आप हमारे सामने भी कुछ देख सकते हैं पशु, कुछ नस्ल की पशु खड़ी है यहाँ पे, और अच्छी अच्छी नस्ल की पशुएं मिलती रहती है यहाँ। तो आइए हम कुछ गायों का रेट जानेंगे आज के इस मंडी में, दिवाली के समय में क्या ऑफर है और कैसी मंडी है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं एक आपको गाय दिखाता हूँ, भैया बच्चा दिया है, दूसरे दांत आपको जान दिया। अच्छा, दूसरे दांत के हैं, फोटो लेने वाला है। अच्छा, और चला के दिखा दीजिए। इसके नीचे क्या है? बाछा है। बाछा है, कितना मांग रखे हैं? दाम इसका 125 है। अच्छा, और देने वाला? अच्छा, कौन से अकरे है? अकरे है। और ये एक छोटी गाय आप देख रहे हैं जर्सी में, जर्सी नस्ल में। इसके पीछे देखते हैं क्या, इसके पीछे क्या है भैया? बाछी बच्चा है, बाछी। अच्छा, तो इस आप गाय को देख सकते हैं, इसका जबरदस्त है, थन की बनावट को भी देखेंगे तो काफी जबरदस्त जर्सी नस्ल में है, जर्सी के क्रॉस में है। पूछ लेते हैं इसका, इसका क्या डिमांड रखे हैं? 65,000 रखे हैं। चार दांत है, बच्चा बाछी है, तो आपको एक और गाय दिखाते हैं जो कि अभी बिक चुकी है, तुरंत अभी के अभी बिक चुकी है। ये गाय, इसके आर्डर की बनावट को आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त है आर्डर की बनावट। और इसके साथ जो है बाछा है कि बछिया, ये सब पता करते हैं, कौन सी ब्यात की है, किस नस्ल में है, कितना दूध है, क्या दाम है, सब कुछ पता करते हैं। घुमा के दिखा दीजिए, आप इसके ऑर्डर की बनावट को देख सकते हैं, आप जबरदस्त शानदार, ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी ऑर्डर की बनावट। अच्छा, ये भैया लिए हैं। इसका कितना मांग रखे हैं आप? मांग सर 80-90 कहते थे। अच्छा, एक मित्र है पुराना। अच्छा अच्छा, 70,000 में दिए। 70,000 में दे रखे हैं। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए भैया? क्या नाम हुआ आपका? मनीष। अच्छा, हमेशा आते हैं आप? हाँ। अच्छा, मतलब मंडी कैसा लगता है आपको यहाँ पे? ये कौन सी ब्यात में है? तीसरे। हाँ। इसके पीछे क्या है? बाछा की बछिया? अच्छी है, बाछी। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे बछिया है, और 3 दिन ब्याई हुई है। कितना दूध पे जाएगी ये? 24-25 किलो। अच्छा, दूध 24-25 किलो में दाग नहीं, तीसरा दिन बच्चे दे। इसके कद काठी को भी आप देखेंगे तो काफी हाइट वगैरह काफी जबरदस्त है, अब इसमें कोई काटने नहीं है, काटने जोग नहीं है, काफी जबरदस्त है। तो आइए दूसरे के बारे में, तो आइए एक ये गाय इसको हम दिखाते हैं आपको, इसके अर्डर की बनावट को आप देखेंगे। कम्पैक्ट अर्डर है, धन की बनावट बिल्कुल, और घर के लिए यदि आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी शानदार अच्छी गाय है ये। और दूध कितना होता है, इसके नीचे क्या है, बच्चा है, बच्चिया है, क्या है, सारी की सारी जानकारी हम लेते हैं। और ये हम अमूमन हमेशा मंडी में 10 से 12 पशु लेकर के आते हैं, और मंडी की शुरुआत में ही लगे रहते हैं। इसका क्या रखे हैं, इसका क्या डिमांड रखे हैं?
तो इसका 46 का डिमांड है। कौन सा ब्यात में है ये? कौन सा ब्यात में है? सेकंड ब्यात। अच्छा दूसरे में है। तो ये दूसरे में है, इसके पीछे क्या है, बच्चा है कि बछिया? बच्चा है। तो इस गाय को आप देख सकते हैं, बच्चा इसके पीछे दूसरे में है। और दूध क्या कर देगी? 14 किलो। और दूसरी वाली गाय को देखते हैं जो बिल्कुल काली है, और इसके थन की बनावट को मैं पीछे से दिखा दे रहा हूँ आपको, और काफ़ी ज़बरदस्त। इसका भी पीछे बाछी है? बाछी है। अच्छा, 3 दिन बच्चा दिए हुए हुआ है। आप देख सकते हैं इसके ऑर्डर की बनावट को, चला के भी दिखाया। चलाने से होता क्या है कि गाय का आपको बॉडी स्कोर, लेग स्कोर सब कुछ पता चल जाता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। तो इसका क्या रखे हैं डिमांड? इसका 58,000 रुपया पड़ेगा। कितना, कौन से ब्यात की है ये? ये 4 दाम की है। अच्छा, दूध कितना कर देगी? दूध अभी 14-15 दे दिए, दूध ये 18 किलो कर। 18 किलो। इसके नीचे क्या है? बछिया है। बछिया, तो आप देख सकते हैं ये बछिया इसके नीचे है। 18 किलो दूध जा सकता है, अभी 14 किलो फेंसा पर है। और दूसरे की है ये, दूसरे ब्यात में है। और तीसरी गाय को देखते हैं तो काफ़ी ये भी शानदार नस्ल में है। हाइट वगैरह देखेंगे पीछे से, अगर लीग स्क्वायर देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और अमूमन 4 थन ही देखा, लेकिन इसके पास 6 थन है और 2 दांत की ये है। अच्छा, इसके पीछे बाछा बच्चा है, यानी कि मेल काफ है। तो इसका क्या डिमांड रखे हैं भैया? इसका 55,000 रुपया पड़ेगा। 55,000। क्या दूध कर देगी देखने से? दूध अभी 15 किलो रेडी है। अच्छा, 15 किलो अभी रेडी है। हाँ, बच्चा कितना दिन बच्चा दिए हुए? इसका 6 दिन बच्चा दिला। अच्छा, 6 दिन हो गया है। अब देखेंगे दूर से ही चला के, तो इसकी नस्ल के बारे में आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी हाइट वगैरह भी इसका देखेंगे तो ज़बरदस्त है, हाइट में भी कोई इसकी दिक्कत नहीं है। कितना कर देगी दूध? 2-3 किलो और बढ़ेगा, 16-17 पड़ जाएगा। अच्छा, 16-17 कर देगी। अभी 14-15 कम। अब इसके बाद ये दूसरी वाली का देखते हैं, अगली वाली को देखते हैं इसका क्या स्थिति है, और जानते हैं इसका डिटेल्स। हालांकि इसके ऑर्डर की बनावट को आप देखेंगे यहाँ से तो काफ़ी शानदार है। आप इसके ऑर्डर की बनावट को देखें, इसका क्या डिमांड रखे हैं? इसका 60,000 रुपया पड़ जाएगा। दूध 18 kg है, बच्चा बछिया है, दांत में 6 दांत। कौन से ब्यात की है ये? सेकंड ब्यात। तो आप हर एक मंडी को आते हैं? जी भैया। अच्छा, यहीं पे रहते हैं ना हम, हर एक मंडी का। नंबर अपना बता दीजिएगा तो। 9097918033। तो ये आप देख सकते हैं, हमेशा अक्सर हम मंडी में 10 से 12 पशु लेकर की आते हैं। और अगली वाली के बारे में देखते हैं, काफ़ी छोटी गाय है, और घर के लिए अगर देखें तो घर के लिए काफ़ी अच्छी है ये। और किसी भाई को अगर घर के लिए इस्तेमाल के लिए लेना है तो ले सकता है ये घर के लिए ही। इसके पीछे क्या है? बाछा है। कौन से ब्यात में है ये? कितना, कौन से ब्यात में है ये? दूध कितना है भाई? 8 kg करेगा। अच्छा, दूध 8 kg करेगी। वही मतलब घर के लिए अगर लेना हो किसी को, हाँ, ये ले सकता है। छोटा गाय में 8 किलो करेगा, 25,000-28,000 कीमत करेगा। कीमत, हाँ, ये इस तरह से यदि आप छोटा गाय लेना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा। जिस तरह की गाय लेना चाहते हैं उस तरीके का गाय उपलब्ध कराते हैं आपको, हर एक मंडी में यहाँ पे आते हैं। अभी और बेच लिए, 4 बेच लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सामने भी देखा है। और ये गाय का क्या है दूसरी, इसका? उसका 10 किलो। अच्छा, इसका 8 से 10 किलो दूध करेगी। और इसका पीछे क्या है, बच्चा है कि बछिया है? बछिया। कितने दिन बच्चा दिए हुए हैं इसका? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। तो आगे मतलब दूध बढ़ेगा या क्या? अभी नहीं सर, 10-12 का इसका औकात है। तो ये मेंटेनेंस रखिएगा, 8 से 10 किलो करेगा। इसका क्या कीमत रखे हैं तब? इसका 30,000। इसका बगल में रहते। तो इस तरीके की गाय आपको ये मंडी में यहाँ उपलब्ध कराते रहते हैं हमेशा, हर एक मंडी को आते हैं और हर एक मंडी को यहाँ से उपलब्ध कराते रहते हैं। मंडी काफ़ी अच्छी है, आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, और घर के इससे भी ले सकते हैं। इनका घर भी पता है आपका कहाँ पे है? जरुआ मंडी से 3 किलोमीटर बगल में पातलेश्वर मंदिर के निकट।
अच्छा, दो टाइम तीन टाइम दूध के भी चेक करके भी ले सकते हैं, इसलिए हमने वीडियो में नंबर भी इनसे बुलवा रखा है। आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको नंबर भी दिख जाएगा। तो इस तरह की पशु आपको अक्सर इस मंडी में देखने को मिलते रहती है हमेशा आप जाएंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।